सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी को और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। आज का जो मेरा वीडियो है वो एक शॉपिंग हॉल है। अभी कुछ दिन पहले मैं सरोजिनी नगर गई थी, वहाँ से मैंने कुछ सामान खरीदा, कुछ कपड़े खरीदे हैं, कुछ होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ें खरीदी है और कुछ ज्वेलरी भी, ज्वेलरी सिर्फ एक ही क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम था, तो वो सभी चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगी विद प्राइस। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स अगर आप SN पहली बार जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है ये वाली कुर्ती और ये वाइट कलर की है। इसकी ये स्लीव्स हैं और इस पे कुछ ग्रीन कलर से यहाँ पर पैटर्न बने हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये पैक से ऐसी है, इसके शोल्डर पर भी ऐसे ही काम है और इसके नीचे भी ऐसा ही काम हो रखा है। ये वाला पैटर्न जो मुझे देखते ही बहुत ही पसंद आया था, ये मैंने और मेरी सिस्टर ने, हम दोनों ने एकदम सेम लिया है। और क्योंकि ये वाइट कलर है, मेरा फेवरेट कलर है, बहुत ही सूदिंग कलर होता है ये। जब भी हम वाइट कलर पहनते हैं तो मुझे लगता है कि ये हर स्किन टाइप पर बहुत ही अच्छे से जाता है। और जो सेकंड आइटम है वो है ये पैप्लम टॉप। इसके पीछे ये जिप है जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी और इसमें वर्टिकली ब्लू कलर की लाइंस हैं और ये स्लीवलेस है। ये फॉर्मल्स के लिए बहुत ही अच्छा है और अगेन ये वाइट कलर में है और इसको पहनकर बहुत ही कंफर्टेबल मुझे फील हो रहा है। फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है इसका। जो मैंने थर्ड आइटम लिया है वो ये है टॉप। ये गोल्ड शोल्डर है और इसके ऊपर रेड कलर से फ्लावर्स बने हुए हैं। फ्लावर्स का पैटर्न है जो देखते ही बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसका फैब्रिक कॉटन मिक्स्ड है जो पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। ये इसकी ऐसे गोल्ड शोल्डर स्लीव्स हैं और इस पर कोई भी ब्रांड मेंशन नहीं है। ऐसे ही वो जो वाइट वाला मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाला जो मैंने ये वाइट टॉप भी दिखाया था, इस पे भी कोई ब्रांड मेंशन नहीं थी, तो ये डेली वियर के लिए बहुत ही अच्छा है। ये मैंने लिया था 200 का। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी गई थी शॉपिंग के लिए, उसने भी कुछ शॉपिंग की तो मैं इस हॉल में उसके भी जो उसने खरीदा है वो सब ऐड कर रही हूँ। तो फिर उसने ये वाली शर्ट ली थी, ये गोल्ड शोल्डर है और फुल स्लीव्स है। इस पर डायमंड कट कुछ पैटर्न बना हुआ है। कलर इसका येलो है जो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और फिर आगे सामने से ये कुछ ऐसे करके है, मेरे ख्याल से ये शायद टाई करने के लिए होगा और ये भी 200 रुपीज़ का था। फिर उसने लिया ये वाला टॉप, इस पे ये ब्लैक कलर में है और इस पे ये फ्लावर्स बने हुए हैं जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और पीछे इसके जिप है और ये हाई नेक में है और फुल स्लीव्स है। फैब्रिक इसका बहुत ही सॉफ्ट है और ये हमने 150 रुपीज़ का लिया था। इसके बाद एक और टी शर्ट ली है, ये गोल्ड शोल्डर में है। इसका कलर ग्रे कलर है, बहुत ही बेसिक कलर है और राउंड नेक में है। ये कोई ब्रांड इस पे मेंशन नहीं है। ये हमने 150 की ली थी और ये डेली वेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। फैब्रिक इसका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसको हम डेली वेयर में बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं। एक और टी शर्ट ली है, ये वाली ब्लैक कलर में है और इसके ऊपर लिखा हुआ है फ्री अथॉरिटी लिविंग माई लाइफ और बहुत ही प्यारी है। ये राउंड नेक में है और इस पे मर्लिन की पिक्चर बनी हुई है। डेली वियर के लिए ये भी बहुत ही अच्छी टी शर्ट है और ये मैंने ली थी 200 रुपीज़ में।
इसके बाद मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है ये वाला लोअर जो कि विंटर्स के लिए है। इसका कलर कुछ कैरेट पिंक कलर है। इस पे बहुत ही क्यूट से बो बने हुए हैं और रैबिट बना हुआ है और ये हमने 200 रुपीज़ में लिया था। इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है। जब वो उसको इसको पहनेगी तो मुझे लगता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा और विंटर्स के लिए उसे बिल्कुल भी इसमें ठंड भी नहीं लगेगी क्योंकि ये कुछ वेलवेट जैसा कुछ मिक्स फैब्रिक है। फिर मैंने लिए हैं कुछ लोअर। ये मैंने एक लोअर लिया है, ये पिंक कलर का है। इस पे पिंक कलर से और वाइट कलर से कुछ चेक जैसा डिजाइन है। इसका फैब्रिक कॉटन का है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। ये मैंने 100 रुपीज में लिया था। मैंने एक और लोअर लिया है, ये ग्रे कलर में है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो इसकी लगी थी, इसके साइड्स में ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है ऑरेंज कलर से, ये इसको बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखा रहा है। इसकी वजह से बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके साइड में दोनों साइड्स पॉकेट भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और इसकी जो ये आगे स्ट्रिंग है, इसमें ये टैसल्स बने हुए हैं जिसकी वजह से बहुत ही क्यूट लग रहा है। और इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, इसे पहन के बहुत ही कंफर्टेबल मुझे फील हुआ। ये मैंने लिया है 150 का। एक और मैंने लोअर लिया है, ये है कुछ ग्रे ब्लू कलर। इसका फैब्रिक भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये मैंने 100 रुपीज का लिया था और इसके भी दोनों साइड्स पॉकेट हैं। ये भी बहुत ही अच्छा है। इसका जो ब्रांड है वो है इस ग्रे वाले का अल्फ्रेड डनर, मेड इन USA। पता नहीं ये कौन सी ब्रांड है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सच में इसका जो फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है और बहुत ही ज़्यादा इसको पहनकर बहुत ही मुझे कम्फर्टेबल फील हुआ। और साथ ही साथ मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैं ज्वेलरी ज़्यादा नहीं ले पाई, लेकिन मैंने ये जो इयर रिंग्स पहने हुए ये मैंने वहीं से लिए थे। ये मैंने ब्लू कलर के इयर रिंग वहीं से लिए थे। इस पर लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कलर से फ्लावर बने हुए हैं और नीचे ये घुंघरू लगे हुए हैं। सेम ऐसे ही मैंने एक मॉल में भी देखे थे, वो अराउंड 400 और 500 के थे, लेकिन एसेंस से मैंने ये लिए हैं और ये 100 रुपीज़ के थे। और फिर मैंने लिया है होम डेकोर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो मैं आज आपके साथ वीडियो में दिखाना चाहूँगी। मैंने लिया है एक ये टेबल रनर जिसपे बहुत ही क्यूट से फ्लावर्स हैं और ये मैंने 200 का लिया है। इसके बाद मैंने लिए हैं कुशन कवर, ये 400 के हैं। एक मिनट आपको खोल के दिखाती हूँ। इसका ये देखिए, ये जूट में है, बहुत ही बेसिक साइज का क्रीम कलर है और ये इजीली मशीन में भी वॉश हो सकते हैं और इसको आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं। और ये मुझे 5 का पेयर है, 400 में पड़ा है। अगर आप शायद इसे कहीं मॉल या किसी शॉप से लेंगे तो मेरे ख्याल से ये आपको 500 या 600 का पड़ेगा। ऐसे इसी की मैचिंग में मैंने, ये भी जूट का ही है, ये वाले कुशन कवर्स लिए हैं। इस पर बहुत ही सुंदर सा मल्टी कलर्ड सनफ्लावर बना हुआ है, ये भी 400 का ही है, 5 का पेयर है। इन दोनों की मैचिंग बहुत ही अच्छी लगेगी अगर इन्हें मैं साथ में ऐसे लगाऊंगी तो। अब आती है टिप्स की बारी, जो आपको अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप SN मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग के लिए तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि आप वहाँ बहुत चलेंगे। अगर आपको वहाँ चलना ही है तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल शूज़ या फ्लोटर्स पहन के जाएं ताकि आपको चलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सेकंड, आपको सनस्क्रीन बहुत सारा लगा के जाइए क्योंकि वो मार्केट बिल्कुल ओपन में है, धूप में आप बिल्कुल डायरेक्ट आपको सनलाइट लगती है, तो मेरे ख्याल से तो आपको खूब सारा सनस्क्रीन लगाना चाहिए ताकि आपकी स्किन पर बिल्कुल भी टैनिंग ना हो।
थर्ड, आप अपने घर से वाटर बॉटल लेकर जाएं, क्योंकि अगर आप वहाँ जाते हैं आपको एक दुकान से दूसरी शॉप तक जाने में, उस बॉटल को सर्च करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपने साथ एक वाटर बॉटल को कैरी करें। और उसके बाद एक बात और ध्यान रखें, अपने साथ एक कैरी बैग लेकर जाएं, क्योंकि जो वहाँ पे आप शॉपिंग करेंगे तो एक चीज़ तो आप लेंगे नहीं, आप एक से ज़्यादा चीज़ें लेंगे। तो वहाँ पे वो छोटी छोटी पॉलीथिन्स देते हैं जिन्हें कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए आप एक बैग लेकर जाएं ताकि जो भी वो सामान दे रहे हैं उन छोटी छोटी पॉलीथिन्स को आप अपने उस बैग में रख सकें। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, वहाँ से एक कोई भी बैग परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने घर से ही लेके जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। आपको एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि वहाँ आपको एकदम अच्छे से होशियारी के साथ बार्गेनिंग करनी होगी, क्योंकि आप जब भी किसी भी शॉपकीपर के पास जाएंगे, आप उससे किसी भी चीज़ का प्राइस पूछेंगे तो वो आपको 500 या फिर 1000 का बताएगा। लेकिन आपको क्या करना है, मिनिमम से मिनिमम प्राइस बोलना है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ के लिए झट से बोलें 100, उसके बाद फिर वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, फिर आप बोलना अच्छा 150, फिर वो नहीं 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 करेगा, और फिर 200, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, और 200 में वो थोड़ी देर बाद आपको डन कर देगा और आपको वो दे देगा। और इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखिए और सरोजिनी नगर की शॉपिंग को इन्जॉय कीजिए। तो ये था आज का मेरा सरोजिनी नगर हॉल। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे भी यकीन है कि आपने इस वीडियो को बहुत ही एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलूंगी आपको जल्द ही एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।